थ्री इडियट, बैंग बैंग, सनम रे जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना चुके हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले कलाकार दयाल प्रसाद आज किसी परिचय के मुमताज नहीं है। दयाल प्रसाद ने बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे किरदार निभाकर हमीरपुर का नाम बड़े पर्दे पर चमकाया है। दयाल प्रसाद अब सावधान इंडिया के एपिसोड में नजर आएंगे। सावधान इंडिया में इसी सप्ताह शौकीन एपिसोड में लंबे रोल में दयाल प्रसाद अभिनय करते हुए दिखेंगे। दयाल प्रसाद ने हिमाचल में कलाकारों का मंच नहीं मिलने पर मलाल जताया है। हमीरपुर आए हुए कलाकार दयाल प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हिमाचल में सरकार की ओर से थिएटर के लिए प्रोत्साहन बहुत ही कम मिल रहा है, जिसके कारण कलाकार उभर नहीं पाए हैं। उन्होंने मांग की है कि हिमाचल में भी थिएटर के लिए सरकार को काम करना चाहिए ताकि हिमाचली कलाकारों को मंच मिल सके। गौरतलब है कि दयाल प्रसाद गत काफी सालों से शिमला में रहकर थिएटर में अभिनय कर रहे हैं, तो इसके अलावा उनकी मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। साथ ही पहाड़ी कल्चर को भी प्रमोट करने के लिए अब आगामी दिनों में हिमाचली फिल्मों में भी अहम रोल में दर्शकों को नजर आएंगे। उपायुक्त ऋतिक ठाकुर ने मंडी शहर को देश के टॉप 100 स्वच्छ शहरों में लाने का लक्ष्य पाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंडी को जनवरी 2020 तक स्वच्छता इंडेक्स में पहले 100 शहरों में शामिल करवाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन भागीदारी जरूरी है। टॉप 100 में आने के लिए आवश्यक है कि 100% कूड़ा एकत्रण और घर पर ही सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखने की व्यवस्था को 100% लागू किया जाए। उपायुक्त स्कूली बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के प्रयासों की कड़ी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मंडी शहर के सभी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को नगर परिषद की सफाई व्यवस्था में सहयोग के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रशासन ने स्थानीय लोगों, सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान में शामिल किया है। अब स्कूली बच्चों को भी अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्वच्छता व्यवस्था में वे सहयोग कर सकें। ऋतिक ठाकुर प्लास्टिक के कूड़े को रिसाइकिल कर उसे फिर से प्रयोग में लाने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टॉफी व बिस्किट के रैपर को अलग से प्लास्टिक की बोतल में भरकर रखें तथा ज्यादा मात्रा में होने पर स्कूल में जमा करवाएं। उन बोतलों को कमेटी के कर्मचारी एकत्र कर उसे पुनः प्रयोग के लिए भेजेंगे। स्कूल में एकत्रित किए गए प्लास्टिक से जो आय होगी उसे पाठशाला के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। उन्होंने सभी पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी पाठशालाओं में प्रातःकालीन सभाओं में ठोस व तरल कूड़े के सही निष्पादन के बारे में बच्चों को जानकारी दें तथा पाठशालाओं में बाहर से आने वाले प्लास्टिक के कचरे को एक जगह एकत्रित करके उसे रिसाइकिल के लिए भेजें ताकि स्कूल प्लास्टिक मुक्त व स्वच्छ हो। उन्होंने कहा कि हर घर हर परिवार का कूड़ा एकत्रण की मौजूदा व्यवस्था से जुड़ना जरूरी है। इसके साथ ही लोगों को गलने वाले और नहीं गलने वाले कूड़े को घर पर ही अलग अलग रखने के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण काम है ताकि घरों से कूड़ा अलग अलग उठाकर उसका बेहतर निपटारा किया जा सके। ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर ना हो और न ही नालियां कचरे से चौक हो, नालियों में गंदगी ना जाए। क्षेत्र को बाध्य सोच मुक्त बनाने में जो व्यवहारिक अड़चने हैं उनका भी निदान तय हो। इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा वैद्य, नगर परिषद मंडी के सचिव बीआर नेगी, संस्था के संयोजक विनोद बहल, सह संयोजक अनिल शर्मा, सदस्य हेमंत शर्मा व ज्योत्सना टंडन, अजय कुमार के अतिरिक्त पाठशाला के अध्यापक व बच्चे उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस सचिव विनोद सुल्तानपुरी ने कसौली निर्वाचन क्षेत्र में हुई नियुक्तियों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था, जिसकी वजह से कसौली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेताओं में खलबली मच गई है और एक गुट खुलकर विनोद सुल्तानपुरी के खिलाफ खड़ा हो गए हैं और सोलन में प्रेस वार्ता कर सुल्तानपुरी पर गंभीर आरोप लगाए। ये प्रेस वार्ता
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रमेश चौहान और जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि विनोद सुल्तानपुरी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को कमजोर करने में लगे हैं और भाजपा की कठपुतली बनकर कांग्रेस का पत्ता साफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी की बाप की जागीर नहीं है कि उनकी मर्जी से नियुक्तियां हो, यहां कार्यकर्ताओं की मर्जी से नियुक्ति हुई है जो सर्वमान्य है। रमेश चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि विनोद सुल्तानपुरी भाजपा से टिकट के इच्छुक थे, लेकिन जब उन्हें सिरमौर पश्चात से भाजपा का टिकट नहीं मिला तो वे भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस की जड़ें काटने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें की कठपुतली बनकर उन्होंने सोनिया गांधी को अपने इस्तीफे की पेशकश की है, जो बेहद निंदनीय है। ऐसे नेता जो प्रदेश में महासचिव हैं, उसे तुरंत अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने विनोद सुल्तानपुरी को सलाह दी है कि अगर उन्हें किसी नियुक्ति पर आपत्ति थी तो उन्हें इस बात को लेकर मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें पार्टी स्तर पर अपना विरोध दर्ज करना चाहिए था। वहीं जब इस बारे में सुल्तानपुरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके डीएनए में है और कुछ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमेश चौहान उम्र दराज एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन अपनी बातों से बेसिद कर रहे हैं कि वे प्रवक्ता बनने के लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनकी जागीर है और उन्हें जान से भी